हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर SST लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर चैप्टर 5th, कम्युनिकेशन। इट इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 5th। लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन होता है, हम किसी से बातचीत करना, हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचाना, मतलब अपना एक मैसेज आपको पहुंचाना है किसी तक, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जब हमें गेन होती है या फिर हम पहुँचाते हैं, इट इज़ नॉन एज कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स। जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, जो हमारे फेस टू फेस, मतलब आमने सामने कोई हो, या फिर हम टेलीफोन पे भी बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। लाइक ये पिक्चर में है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट बाय राइटिंग अ लेटर। हम लेटर लिख के एक दूसरे को लेटर भेज के, मतलब किसी को भी सिटी में किसी पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेटर भेजते हैं, और ईमेल सेंड करते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन मतलब जाती है। न्यूज, एडवर्टीजमेंट्स और अदर प्रोग्राम, द रेडियो और टेलीविजन आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़ से हम कम्युनिकेशन लेते हैं, जैसे पूरी कंट्री की, वर्ल्ड की, अपनी एक जगह पर बैठे इतनी जगहों की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उससे भी हमें क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। जहाँ पे रेडियो दिखाया हुआ, रेडियो से भी हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, तो इससे भी कम्युनिकेशन कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन यूज। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे वो हाथों से कम्युनिकेट करते थे, साइंस बना के, मतलब इशारों में बातें करते थे जैसे एनिमल्स करते हैं। बट बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर इंटेलिजेंसी, उनका मतलब ह्यूमन बींग का इंटेलिजेंसी लेवल इतना बड़ा कि उन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप किया, लेटर को डेवलप किया, जिससे उनको बेटर ऑप्शन मिला कम्युनिकेट करने का। लेटर से मतलब लेटर इन द फॉर्म अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को डेवलप किया, फिर उससे घर तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती थी, मतलब कितना कितना टाइम निकल जाता था, वो ज़्यादा इजी नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को रिवेल्यूशन बाय लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूरी पे भी हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ फोन कॉल से बात करते हैं, एकदम से उनके पास मैसेज पहुँच जाता है, लेकिन रिटर्न लेटर में क्या होता था, मैसेज 2-3 दिन के बाद पहुँच जाता था। तो ये जो इन्वेंशन हुई थी टेलीफोन की, कब हुई थी? 1876। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन प्रोवाइडर। ये जो टेलीफोन बनाए गए थे 1876 में, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे। सो योर पार्ट फर्स्ट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूएशन इज इन पार्ट।